अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑफिसर किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी बर्गर। तो इसके लिए मैंने ये कबाबे मैंने बना के पहले से कच्चे मसाले वाले कबाबे इसको फ्रीज़र कर लिया था। इसके लिए एक अंडा फेंट लिया है और 2 चम्मच मैंने लिया हुआ है मकई का आटा। तेल गरम रख दिया है और ये पहले कबाब उठाई अंडे में डीप की। उसके बाद इसको हम मकई में डीप करके इसको शेलो फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे, ताकि कबाब हमारे कच्चे हैं तो वो अंदर से पक जाए। आइए फ्राई हो रहे हैं, इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, इसे पलटाते रहेंगे। ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, थोड़ी सी इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी या फिर आप इस तरह से स्लाइस कर लें। बर्गर को मैंने इस तरह से डब्लूटी को काट लिया बीच में से, तो लेकिन मक्खन लगाऊंगी मैं। ये मोज़रेला चीज़ है, स्लाइस कर दूंगी। ये कबाब आ गई इसके ऊपर, आप चाहें तो इसको तोड़ के भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं। अब मायोनेस और केचप, ये केचप डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा मायोनेस, वैसे मायोनेस और केचप को अगर आप थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टमाटर स्लाइस, कुकुम्बर, प्याज, अब इसको हम पैक करके फ्राई पैन में थोड़ा सा हम मक्खन डालेंगे। ये डब्लूटी इसमें डाल देंगे हम बर्गर, हल्की आंच पे, बिल्कुल इसको नीचे गोल्डन आ जाए, बस रंग पैंदे में से गोल्डन कलर आ जाए तो फिर तब तक इसको पकाएंगे हम, ताकि मोज़रेला चीज़ भी हमारी इसमें पिघल जाए। तो ये तैयार हो चुका है हमारा स्पाइसी बर्गर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।